जी हाँ दोस्तों, पुलिस ने पूरी तरीके से घोषित कर दिया है कि जो कोई भी सुशील कुमार का पता बताएगा कि वो कहां पर छुपा हुआ है, उसको 1,00,000 का इनाम दिया जाएगा। इसी के साथ पुलिस ने कई सारी टीमें बना दी गई हैं ताकि सुशील कुमार को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि ये मामला काफ़ी संगीन होता जा रहा है और सुशील कुमार पुलिस के हाथ नहीं आ रहा है। सुशील कुमार ने अपना मोबाइल नंबर बदल दिया है और नई सिम का इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट कॉलिंग कर रहा है ताकि वो जल्दी पकड़ा ना सके। लेकिन फरार सुशील लगातार पुलिस को चकमा देने की कोशिश कर रहा है और अपनी लोकेशन भी बदल रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि सुशील कुमार जल्दी कस्टडी में होगा, क्योंकि दोस्तों भटिंडा के SSP भूपिंदर सिंह विर्क ने बताया कि पहलवान कत्ल मामले की जांच को लेकर दिल्ली पुलिस की टीम आज सुबह भटिंडा में आई थी। सुशील कुमार को जो मोबाइल सिम इशू हुआ था वह भटिंडा के एड्रेस का था। भटिंडा के बीड़ रोड के रहने वाले सुखप्रीत सिंह बराड़ के आधार कार्ड पर जारी सिम सुशील कुमार के इस्तेमाल कर रहा था। उन्होंने आगे बताया कि सुखप्रीत सिंह बराड़ के मामा के बेटे के अमन ने सिम इशू कराकर सुशील कुमार को दिया था। फिलहाल दिल्ली पुलिस सुखप्रीत सिंह बराड़ में इस बारे में पूछताछ कर रही है, लेकिन अमन अभी भी फरार बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस को भटिंडा पुलिस पूरा सहयोग दे रही है और जांच में लास्ट लोकेशन वाली बात नहीं है। ऐसे में दोस्तों ये साफ दिख रहा है कि जो वीडियो बनाई गई थी प्रिंस दलाल के द्वारा 4 मई की रात घटना वाले के दिन, उस दिन वीडियो में सुशील कुमार उस शख्स की यानी सागर की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। तो पूरी तरीके से मामला गंभीर है और 4 मई की रात का जो सागर धनखड़ मर्डर केस हो रहा है वो साबित होता नजर आ रहा है कि सुशील कुमार ही इसके पीछे मास्टरमाइंड थे। ऐसे में बच पाना उनका बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।